गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर टेन पे। हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर टेंथ सर्कल पढ़ रहे हैं। ये हमारा पांचवा लेक्चर है। इससे पहले मैं चार लेक्चर ले चुका हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबको जाके ध्यान से देखो, बहुत अच्छे और फुल डिटेल में करवा रखे हैं। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने सिर्फ थ्योरी करवाई है और तीसरे और चौथे लेक्चर में सर्कल की रेडियस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब करवाई है। आज के लेक्चर में और आने वाले दो तीन लेक्चर में सिर्फ मैं जितने भी प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन हैं सारे लाइन से कराऊंगा। एक ऑर्डर में मैं आपको करवाते हुए चल रहा हूं ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ये कह रहा है, इन फिगर अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर क्या है, ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल है जो क्या कर रहा है, सेंटर ओ पे सच ऐसे टच कर रहा है कि इसकी साइड है, मतलब क्वाड्रिलेटर की साइड सर्कल को टच कर रही है। कौन से पॉइंट पे, पी क्यू आर एस पे। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें क्या निकालना है, ए बी, ध्यान से देखना। तो ए बी को क्या मैं ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से AD को क्या लिख सकता हूँ, AS प्लस SD। उसी तरीके से DC को DR प्लस RC और CB को CQ प्लस QB लिख सकता हूँ। अब देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ देखो कुछ ऐसे आपको याद आ जाएगा। अब ऐसे ये है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे जो हम सर्कल टेंजेंट खींचते हैं ये दोनों क्या होती थी, बराबर, हमारी थ्योरम थी एक। सेम उसी तरीके से ये भी है, ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से मेरे मार्कर को देखना, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाला ए पी और ए एस ये दोनों बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, कि टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या ए एस इक्वल टू ए पी, क्यों, टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है? ये आपको लिख के दिखानी है, ठीक है? अच्छे समझ में आया। इसी तरीके से इस पॉइंट को देखो, इसको डी को, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, डी आर इक्वल टू एस डी, ये भी वही थ्योरम होगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, डी एस इक्वल टू डी आर, इसका भी रीजन क्या है, यही सेम रीजन, ठीक है? सेम रीजन, क्लियर है यहां तक? अब तीसरा पॉइंट देखो, यहां से इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सेम यही चीज है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है? इसके लिए भी पॉइंट लॉजिक क्या रहेगा, यही वाला, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब इसको देखो, बी पॉइंट को, तो बी से देखो, ये बी पी और बी क्यू ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है? समझ में आ गया अच्छे से? तो यहां से क्या लिख रहा हूं मैं, बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसके लिए भी यही लॉजिक होगा, ठीक है? चारों इक्वेशन मिल गई, देखो ध्यान से, 1, 2, 3 और 4, यहां तक समझ में आ गया। अब इन्हीं चारों इक्वेशन का हमें काम है, कैसे काम पड़ेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जल्दी से, ठीक है? देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी, ठीक है? अब देखो ए बी कैसे आएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं ए पी प्लस पी बी को ऐड कर दूं तो ए पी आ जाएगा। अब देखो मेरा ए पी कहा है, ए पी ये रहा, ठीक है? और पी बी कहा है, ध्यान से देखो, पी बी ये रहा। तो जैसे समझ में आया, तो अगर मैं इसको फिर से ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखो, अलग मार्कर से यूज कर रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए पी इक्वल टू ए एस, एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखो, इन दोनों को, ठीक है? अब और हमें क्या लाना है, दूसरी ओर सी डी, सी डी, तो सी डी कहाँ है, ये रहा, सी डी कहाँ है मेरा, सी डी, सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ए बी के साथ क्या है, ए बी के साथ सी डी है, तो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर प्लस आर सी। तो डी आर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन, डी आर और आर सी, आर सी कहाँ है, यहाँ है। तो इसको अगर मैं फिर से रीअरेंज कर लूँ, ध्यान से देखो, इसको, इस वाले को, इसको मैं ये लिख सकता हूँ सी क्यू
इक्वल टू सी आर, रीअरेंज कर दिया इसको, ठीक है, रीअरेंजमेंट का खेल है अच्छे से, मतलब ऊपर लिख लो सी क्यू इक्वल टू सी आर। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अगर मैं अब इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को, तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, इक्वेशन वन प्लस फोर और इक्वेशन टू प्लस थ्री सबको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, चारों को ऐड कर दिया। तो किस तरीके से ऐड किया कि वन के साथ तो मैंने फोर को ऐड किया और टू के साथ थ्री को, मतलब कैसे लिख रहा हूँ मैं ध्यान से देखो, ए पी प्लस बी पी प्लस, ध्यान से देखो डी एस क्या लिखना है मुझे, सी डी लाना है, तो सी डी के साथ क्या होगा, सी डी के साथ डी आर, मतलब डी आर और डी आर इधर है और डी आर प्लस सी आर, तो डी आर प्लस सी आर मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब इसको कैसे लिख लो, डी आर इक्वल टू डी एस, इसको मिटा देते हैं और ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको भी फिर से रीअरेंज कर लो, ये डी एस ऐसे लिख लो यार, ठीक है, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, तब ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से मुझे क्या लाना है, बी सी, तो बी सी का है, पहले इन सबको ऐड कर दो एक साथ, क्या लिखा हुआ है ये, ई एस प्लस ई एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब देखो ये पूरा मिटा देता हूँ, इस पूरे का काम नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है, रीअरेंजमेंट का खेल है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कई बार आया है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैं ए पी प्लस बी पी को, इस ए पी प्लस बी पी को, ए पी प्लस बी पी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस, ध्यान से देखो, डी आर प्लस सी आर, तो डी आर प्लस सी आर या आर सी को क्या लिख सकता हूँ, डी सी या सी डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी को बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, तो बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो मतलब बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखो, इस पूरे को बी सी या सी बी प्लस ए एस प्लस डी एस को, ए एस प्लस एस डी को या डी एस को क्या लिख सकता हूँ, ई डी, और ध्यान से देखो यही प्रूफ करना था मुझे, आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब सही से लिख लो, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, क्लियर है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट आपको आना चाहिए था कि कैसे आगे पीछे उसको और किस तरीके से लिख के उसको अरेंज करना है, यही सिखाना था और जो आप सीख चुके होंगे, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, बस इसमें फिगर थोड़ी अलग है और फिगर देख के डरावनी सी लग रही है, बच्चा एक बार को परेशान हो जाएगा कि सर क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सा करना है, जो हमारा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है ध्यान से देखो, कि जैसे ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट कह रहा हूँ, ये कोई सर्कल है और ये क्या कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वली लेंथ, पढ़ा है हमने, सेम इसी चीज़ को अगर मैंने ऐसे बना दिया इस तरफ, ध्यान से देखो इस तरफ, तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से ये वाली ये भी टेंजेंट होगी और ये भी टेंजेंट होगी, ये दोनों भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से नोट डाउन कर लो, गला खराब हो गया थोड़ा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ देखो इसको मिटा दिया ऐसे, समझ लो ये है नहीं ऐसे, ठीक है, तो इस पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ये दोनों बराबर होंगे, आया समझ में, सेम इसी फिगर को मैंने दो अलग अलग हिस्सों में ऐसे दिखा दिया, समझ में आया ये, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ई इज एन आउटसाइड पॉइंट, है ना, ई इज एन आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, एंड वी नो डेट, एंड वी नो टेंजेंट्स ड्रोन
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल या आउटर पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल या आउटर, आउटर पॉइंट्स, ठीक है, आउटर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक्सटर्नल पॉइंट है ई, तो ई ए और ई बी कैसे, वो ई सी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए इक्वल टू ई सी, ये हो गई इक्वेशन वन। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छे से। अब वापस से इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को वापस से जोड़ लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, दोनों जुड़ गए। अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखो इसको हटा दिया, तो अब ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट ई डी और ई बी, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, इस थ्योरम से। तो इसी तरीके से सिमिलरली, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बी इक्वल टू ई डी, ये हो गई इक्वेशन टू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये वाला ए बी जो है इस सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन वन प्लस टू, वन प्लस टू को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, ई ए प्लस ई बी इक्वल टू ई सी प्लस ई सी प्लस ई डी, ई सी प्लस ई डी। अब ध्यान से देखो, ई ए प्लस ई बी को, मार्कर को देखना, ये यहां देखो, यहां ई ए, ई ए प्लस ई बी को, इस वाले को, ई बी को, क्या मैं पूरा पूरा ए बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, तो वही लिखा है, तो ई ए प्लस ई बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी, और ई सी प्लस ई डी को क्या लिख सकता हूं, सी डी। और ध्यान देखो, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया, कितना छोटा सा प्रूफ था, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, तो हमारा किया हुआ नहीं रहता, तो हम फिगर देख के घबरा जाते हैं, और अगर हम बेसिक से चलें तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए हमेशा, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, कितने भी टफ क्वेश्चन हो, कैसे भी फिगर हो, उलझल उलसी कैसे भी समझ में आए, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप थोड़ा सा सोचोगे, आराम से हो जाएगा, थिंकिंग के करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, वरना आप रटोगे, रटोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के आएगा, आप परेशान हो जाओगे, वही आप समझोगे, कितना भी घुमा के आए एग्जाम में आप परेशान नहीं होगे। तो अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करना बहुत अच्छे से, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें फिगर नहीं दिए, हमें फिगर खुद से बनाना है, ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। द इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब क्या होता है, अंदर, मतलब किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर, इनका ही मतलब ही होता है अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर क्या बना है, सर्कल बना हुआ है। तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं, फिर बाद में ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो पहले सर्कल देख लेते हैं किस तरीके से, इस तरीके से ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल किसके अंदर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ठीक है, कि कौन से ट्रायंगल के अंदर है, आइसोसेलेस। तो बाहर से बना देते हैं, देखो ये हो गया, इसको एक साइड इसकी ऐसे टच करते हुए, ठीक है, ध्यान से देखना, अलग अलग पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक साइड ये हो गई टच करती हुई, ठीक है, और एक साइड ये हो गई टच करती हुई, ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ये तीन तीन, ये इस तरीके से आ गया, देखो क्लियर, कितना बढ़िया फिगर बनाया, ठीक है। ए ए बी सी ट्रायंगल कैसा है, ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए को ऊपर लेना पड़ेगा, यहाँ पे ए और ये बी और ये सी, तभी तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, गिवन है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। टचेज द साइड बी सी, बी सी को किस पे टच कर रहा है, डी पे, देखो यहाँ से बी सी को टच कर रहा है, यहाँ पे देखो बी सी को टच कर रहा है डी पे, सी ए को टच कर रहा है ई पे, और ए बी को टच कर रहा है एफ पे, तो बी सी का संबंध किससे है, डी से, तो बी सी और के बीच में कहीं पे यहाँ पे डी आएगा, ए सी, सी ए के बीच में क्या है, ई, तो यहाँ कहीं पे ये ई आएगा और यहाँ कहीं पे ये एफ आएगा, ठीक है, क्लियर है, ये इस तरीके से पॉइंट सही होना बहुत जरूरी है, वरना आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब एज यूजुअल जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक, क्या है, ये इस थ्योरम पे बेस है, देखो ये सर्कल है और ये कहीं आउटसाइड पे ये पॉइंट है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कैसे होंगे, इक्वल, सेम यही चीज़ है, आउटसाइड द पॉइंट है, मतलब ए बी और ए सी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और ये गिवन भी है,
ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, वही अपनी थ्योरम, वी नो डेट क्या द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टचेज द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, मार्कर को देखते हुए चलना। ठीक है, मेन जरूरी चीज है मार्कर को। यहां देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाला, तो यहां से ये ए एफ और ए ई दोनों बराबर होंगे इसी थ्योरम से, इस वाली से। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ए एफ इक्वल टू एफ बी, ए एफ इक्वल टू एफ बी नहीं होगा भाई, गलत हो गया, ए एफ इक्वल टू ए ई होगा, एफ इक्वल टू ए ई, ये हो गई इक्वेशन वन। लो जी, रीजन क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, अब फिर मार्कर को देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट बी, तो बी से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों भी बराबर होंगे, तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, बी एफ इक्वल टू बी डी, ये हो गई दूसरी। ठीक है, सिमिलरली तीसरा, इसके लिए देखो, सी के लिए, इस सी से, तो सी से देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी बराबर होंगे, अच्छे से समझ में आया, तो सिमिलरली क्या लिख सकता हूं फिर, सिमिलरली ई डी, देखो इधर ई, सिमिलरली ई सी, तो बी डी आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, सी डी, तो सी डी, और इधर से क्या आ जाएगा, सी ई सी, समझ में आई, मतलब ई सी इक्वल टू सी डी, वही लिखा है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से। अब हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, हमें प्रूफ क्या करना है, बी डी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, ये अच्छा, ये हमें बी डी इक्वल टू सी डी, हाँ ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बी डी इक्वल टू सी डी मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये इक्वल कब प्रूफ होंगे, जब इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो जब ये वाला एल एच एस बराबर हो जाएंगे, तो ये आर एच एस ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। अब इसको कैसे प्रूफ करें, इसके लिए मुझे कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन है, ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू, देखो ए बी इक्वल टू क्या गिवन है, ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब इस ए बी को ध्यान से देखो, इस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एफ प्लस एफ बी, ठीक है, लिख सकता हूं उसी तरीके से, ए सी को मैं ए प्लस ई सी लिख सकता हूं, आ गया समझ में, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहां से देखो, ए एफ और ए ई कैसे हैं, बराबर हैं, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो देखो ये दोनों बराबर है ना, तो यहां पे मैं ए एफ तो ऐसे ही रहा, प्लस एफ बी भी ऐसे ही रहा, इस वाले ए ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एफ, देखो फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो क्या लिख सकता हूं, ए एफ प्लस ई सी, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो ई एफ से ए एफ कट गया, क्लियर है। अब एफ बी, एफ बी कहां है मेरा, देखो एफ बी या बी एफ एक ही बात है, एफ बी और बी एफ एक ही बात है ना, एफ बी किसके बराबर है, बी डी के, तो इस एफ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी इज इक्वल टू, और ई सी, ई सी किसके बराबर है, यहां से देखो ई सी किसके बराबर है, सी डी के, तो यहां पे ई सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी, और यही हमें प्रूफ करना था, आ गया समझ में। तो देख लिया कितना सिंपल से क्वेश्चन है, एकाएक एग्जाम में आते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन हमें करवे नहीं रहते, तो हम एकदम से घबरा जाते हैं और कर नहीं पाते, अच्छे से देखना। तीसरा क्वेश्चन था ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट डाउन करना, बोर्ड में आया हुआ है, और बोर्ड में नहीं भी आया हुआ है तो, वैसे तो आया ही हुआ है लेकिन मुझे ईयर याद नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए इन फ्यूचर आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, सेम टाइप के मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट वाले, अभी तक आपने पैटर्न देख लिया होगा, तो ये भी वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाला, तो यहां से ये पूरी टेंजेंट xp और ये पूरी टेंजेंट xq, xa टेंजेंट नहीं है, ध्यान से देखना, कहीं xa लिख दो,
एक्स पी और एक्स ए, यही तो टच कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देख ध्यान से देखना, वी नो डैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स फ्रॉम द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से आई बात समझ में, ये आपको लिखना पड़ेगा तभी होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मार्कर को, ये मेरा मतलब ये वाला, ये एक्स पी और एक्स ए, एक्स क्यू दोनों इक्वल है, दिख गया आपको। तो मैं यहां से क्या लिख देता हूं, ध्यान से देखना, एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू, ये हो गई इक्वेशन वन, सेम लॉजिक क्या है ये लिखना है। अब फिर मार्कर को देखो ध्यान से, यहां पे देखना, तो ये भी तो, अब ए भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए से ये वाला, ये भी तो टेंजेंट होगा एक्स पी, वो एक्स ए, ए से ध्यान से देखो, ए से पी ए और ए आर, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी तो टेंजेंट होंगे, आया समझ में, यही देख रहा था मैं। तो मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, ए पी इक्वल टू ए आर, ये भी हो गई इक्वेशन टू, लो रीजन क्या लिखना है यही, सो यहां ब्रैकेट में सेम रीजन है, लिखते हुए चलना। अब फिर देखो एक और पॉइंट को, बी को देखो, बी तो ये बी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी से बी क्यू और बी आर, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, दिख गया आपको अच्छे से, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, BQ इक्वल टू BR, ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, कुछ गिवन है नहीं, गिवन है हमें ये पता है कि भाई XP जो है वो किसके बराबर है, XQ के, ठीक है, ये क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो अच्छे से, XP को यहां से XP को मैं लिख सकता हूं XA प्लस PA, ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से आया समझ में। तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, इस XP को मैं क्या लिख रहा हूं, XA प्लस AP इक्वल टू XQ को क्या लिख रहा हूं मैं, XB प्लस BQ। अब उस पे चले जाओ, हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या करना है, देखो हमें XA चाहिए, बिल्कुल चाहिए, XA मिल गया, और हमें एक्स भी चाहिए उस तरफ, बिल्कुल एक्स भी मिल गया, हमें ए आर चाहिए और बी आर चाहिए। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ, तो एक्स तो ऐसे ही रहा, इसको नहीं छेड़ना है, तो एक्स ऐसे ही रहा प्लस एपी किसके बराबर है, ध्यान से देखो एपी किसके बराबर है, ए आर के। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, एपी की जगह, इस एपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर इक्वल टू एक्स भी मुझे चाहिए प्लस, अब देखो बी क्यू किसके बराबर है, यहां देखो ध्यान से, बी क्यू किसके बराबर है, बी आर के। तो यहां पे बी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बी आर। अब ऊपर आ जाओ, यही प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, आई बात समझ में। तो देखो क्वेश्चन देखने में काफी डरावने से लग रहे हैं, एक बार को आदमी परेशान हो जाए कि यार एक सर कैसा होगा, इसमें तो कुछ दिया भी नहीं है, और वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, आपको टेंजेंट की नॉलेज पता होगी और पता होगा, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे, बस रीअरेंजमेंट का खेल है कि आपको कैसे इसको अरेंज करना है। अच्छे से समझ में आया, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे आपने वीडियो में अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया होगा, सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, मैं ढूंढ ढूंढ के आपके करवा रहा हूं ताकि आपके सारे कंसेप्ट एक साथ कवर हो जाए। नोट डाउन करो अच्छे से, आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से, नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यकीन मानो ये सच में जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार को परेशान कर देगा, समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट टू सर्कल, दो सर्कल है, टचेस ईच अदर एट द पॉइंट सी, दोनों सर्कल एक दूसरे को कॉमन पॉइंट सी पे यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, सब्जी वाला आ गया, बंद कर देते हैं, ठीक है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, जो ये कॉमन टेंजेंट है वो सर्कल सी पे बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो सी आर है
वो पी और क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पी आर इक्वल टू आर क्यू मुझे प्रूव करना है। आई बात समझ में? तो देखो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, लगातार करते आ रहे हैं। यहाँ से देखो, अगर ये सर्कल है ठीक है, और यहाँ कहीं पे पॉइंट है, तो ये वाला टेंजेंट, ये और ये वाला टेंजेंट, ये दोनों बराबर होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये है, ये हमारा कोई पॉइंट है, कौन सा, ये वाला आर। तो आर को ध्यान से देखो, आर से यहाँ देखो, यहाँ से आर से पी आर और सी आर, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कॉमन टेंजेंट है। कौन से सर्कल के लिए? जिसका सेंटर ए आर, जिसका सेंटर क्या है, ए। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पी आर इक्वल टू आर सी, पी आर इक्वल टू आर सी। क्यों? आर इज द पॉइंट आउटसाइड, आउट यहीं पे लिख देता हूं, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर, इसका सेंटर कितना है, ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये हो गया मेरी इक्वेशन वन, क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली ध्यान से देखो, सिमिलरली अब आर इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ देखो आर क्यू और सी आर, ये भी फिर इसके लिए कॉमन टेंजेंट और आउट पॉइंट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आर क्यू इक्वल टू आर सी। क्यों हुआ ये? आर इज द पॉइंट, आर इज द पॉइंट आउटसाइड, कौन से, आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर, आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर क्या है, बी। क्लियर है? आउटसाइड पॉइंट है सेंटर बी के लिए, तो ये क्या करेगा, दोनों टेंजेंट बराबर हो जाएगी, मतलब वहां से तो आर क्यू और सी आर दोनों बराबर हो गई। तो ये हो गई इक्वेशन टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ध्यान से देखो हो गया सोल्व, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, वन एंड टू से देखो, आर सी पी आर के बराबर है और आर सी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कहा मैंने, आर सी पी आर के बराबर है और आर सी किसके बराबर है, क्यू के। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं पी आर इक्वल टू आर क्यू, और यही प्रूफ करना था मैं, देखो ध्यान से, बाइसेक द कॉमन कोड एट पी एंड क्यू, पी आर इक्वल टू आर क्यू, दोनों बराबर आ गए। हैंस हैंस यहां से क्या लिख सकते हैं, हैंस सी आर बाइसेक्ट पी क्यू, यही इसका इतना सा सोल्यूशन है। देख लिया कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था, और देखने में कितना डरावना लग रहा था, स्ट्राइक नहीं कर रहा था कि कैसे करें, लेकिन वही चीज़ है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, टेंजेंट की, आउटसाइड द टेंजेंट की नॉलेज हमें बहुत अच्छे से है, तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको क्वेश्चन को देखना है, विजुलाइज करना है कि कौन सा पॉइंट आउटसाइड है और कौन कौन से डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे और कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आया तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से।